स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। हम छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल आपके सामने रख रहे हैं और अब केवल एक केंद्रीय छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको बताना बाकी है। मेहमान भी हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी से, संजीव श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, भावेश झा जिन्होंने सर्वे किया सीएनएक्स से वो हमारे मेहमान हैं। मैं आपके सामने केंद्रीय छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रखूँ, उससे पहले दो सवाल जिनके जवाब आपको जानने चाहिए। सवाल हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर के दर्शन करने की बात लिखी है, कहा है कि हम आएंगे तो आपको राम मंदिर के दर्शन कराएं। राम मंदिर हम सब जानते हैं बन करके तैयार हो जाएगा जनवरी महीने में, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वहां पर मौजूद होंगे। इस मुद्दे को लोग कितना गंभीरता से लेते हैं, इसका जवाब आपको मिलने जा रहा है। सवाल था कि आप अगर आप राम मंदिर बनेगा तो आप जाएंगे वहां दर्शन करने के लिए? 28% लोगों ने कहा हम तुरंत जाएंगे, 46% लोगों ने कहा हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, बाद में जाएंगे, 1% लोगों ने कहा कि नहीं हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, ना हमारी आस्था का मुद्दा, वो मानते हैं इसको, हम नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखिए इसके ये ज़्यादातर लोगों के लिए राम मंदिर एक इमोशनल मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ, विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा ज़रूर दिखाई देता है। दूसरी ओर भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल खास तौर पर अपने आप को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कल्चर के साथ वो जोड़ते हैं, इसको लेकर के उन्होंने कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, क्या उनकी एक खास इमेज बनी लोगों की नज़र में? इसका जवाब भी आपके सामने है। लोगों को भूपेश बघेल का ये ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज कैसा लगता है? 51% लोगों ने कहा भूपेश बघेल हमें अपने लगते हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते जैसे लगते हैं। 40% लोगों ने इसके खिलाफ राय अपनी दी है, 9% लोगों ने कहा इस पर हमारी कोई राय नहीं है। अभी 64 सीटें छत्तीसगढ़ की, मैं आपके सेंट्रल छत्तीसगढ़ की आपके सामने रखूंगा तो पूरा सर्वे आपके सामने साफ हो जाएगा। एक बार संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहते हैं। संजीव जी, पहले तो कल ये जो ईडी का बम फटा है 508 करोड़ वाला, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और जो सर्वे आएगा नतीजा जो अभी थोड़ी देर में मैं बस चंद मिनटों में रख रहा हूँ सामने, उसमें इसका असर नहीं है क्योंकि तब तक ये सर्वे तो पूरा हो चुका था, लेकिन आपको इतना बड़ा मुद्दा लगता है कि एक इलेक्शन डिसाइड कर दे? मुझे नहीं लगता। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि कानून अपना काम करे, मामला क्या है, सही है या गलत है, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है ना, चुनाव से, वोटिंग से बस 3-4 दिन पहले, 7 नवंबर को वहां वोट पड़ना है, 3-4 दिन पहले ये छापामारी हुई है, तो उससे लोगों के अब इतने हम अपने वोटर को, मतदाता को नहीं समझ सकते कि वो कम समझ है या उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इसको सीधे सीधे राजनीति से जोड़ के देखता है। कानून अपना काम करेगा, ये सब बातें सही हैं, लेकिन कानून अपना काम उसी हफ्ते क्यों कर रहा है जिस हफ्ते वोटिंग होने वाली है? भाई मामला कई दिन से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, तो उस टाइमिंग को लेके एक संदिग्ध उसमें सवाल उठता है और वो घेरे में आते हैं, तो जितना उसका नुकसान होना होता है उतना ही उसके सपोर्टर्स और एक तरह से सक्रिय होके निकल के। ठीक है संजीव जी, लेकिन क्या आपको लगता है इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, छवि पर असर पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर उन लोगों के मन पे पड़ेगा जो पहले ही शायद उसके पक्ष में नहीं होंगे, वो और पक्का हो जाएंगे कि नहीं नहीं देखो हम तो पहले ही कहते थे ये गड़बड़ आदमी है, सही नहीं है, कांग्रेस पार्टी करप्ट है, बघेल का मामला संदिग्ध है, लेकिन जो उसके पक्ष में होंगे वो भी और पक्के हो जाएंगे, वो कहेंगे देखो अब हमारे नेताओं को और फंसाने की कोशिश हो रही है इन मौके। तो ये जो बिल्कुल उस टाइमिंग पे जो छापामारी हो रही है ना, चाहे राजस्थान में चाहे छत्तीसगढ़ में, उसका लाभ कम हानि होने की संभावना मुझे ज्यादा लगती है। काउंटर प्रोडक्टिव मूव्स है, आप नीडलेस एक सिंपति जनरेट कर रहे हो, जो चुनाव जीत रहा है या जनता की नजर में आगे है आप उसको अंडरडॉग और बना रहे हो उस समय उस पर छापेमारी करके, कि मतलब उस वो पहले ही जीत रहा है उसको बेचारा बनाने की क्या जरूरत है, बेचारे के भी वोट मिलेंगे अब उसको। ठीक है, अगर लोग कुछ लोगों को लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है भूपेश बघेल को, तो उनको सिंपति भी मिल सकती है, ऐसा भी समझा जा सकता है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए संजीव जी जो कह रहे हैं वो आम तौर पर राजनीति में यूं ही होता है, लेकिन जो मैंने शुरू में भी कहा, तब संजीव जी जुड़े नहीं थे, कि कर्नाटक में जैसे था बासवराज बोम्मई के ऊपर कोई आरोप ही नहीं थे, भूपेश बघेल पर तो लंबे समय से आरोप हैं। कौन सी एजेंसी नहीं है जो जांच नहीं कर रही, शराब घोटाले की जांच, बड़े बड़े अधिकारी वहां से भगोड़े हो जाते हैं, जो गोबर का कहें कि उपला कंडी गोठान जो कहिए जिस भाषा में आप समझते हो उसका तक घोटाला हो गया, और ये जो महादेव ऐप वाला है ये इसी 5 साल में इतना बड़ा आदमी हो गया सट्टेबाजी करा करा के। आप पूरे भिलाई दुर्ग के एरिया में चले जाइए, सौरभ चंद्राकर के कारनामे, जूस कॉर्नर से कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया वो सब बताएंगे।
जब ये इस तरह से होता है तो ठीक बात है कि दोनों तरफ की खेमेबंदी पक्की होगी, लेकिन क्या लोगों के मन में ये संदेह नहीं आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों भूपेश बघेल को आखिरी समय में चेहरा नहीं बनाया? एक प्रचार सामग्री है जो सरकार की तरफ से आती है, उसमें भूपेश बघेल दिखते हैं, टीएस सिंहदेव तक नहीं दिखते, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दीजिए। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रचार सामग्री है, आप पूरे इलाके में, पूरे छत्तीसगढ़ में घूम जाइए, आप कहीं की भी फोटो खींच लीजिए कांग्रेस की प्रचार सामग्री की, उसमें आपको 5 नेताओं की फोटो मिलेगी, भूपेश बघेल नहीं मिलते हैं अकेले। इसका मतलब क्या हुआ? जनता के मन में संदेह आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये छवि गड़बड़ हो रही थी, कांग्रेस ने भी कहा भाई ये गुंजाइश लेकर रखो, वो सब भी काम करता है। और जब पैसे मिलते हैं ना, करोड़ों रुपए सामने मिलते हैं और फिर तब लिंक जुड़ता हुआ दिखता है, तो उसका असर कभी कभी पड़ता है, एकदम से पड़ जाएगा ये मतलब तय करके बता पाना थोड़ा मुश्किल है। एक बार नितिन जी इसका उत्तर दे दें, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। नितिन जी, पहले भूपेश है तो भरोसा है ये नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी ने, बाद में उनके नाम पर चुनाव के अपना कैंपेन खड़ा करने से क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि दोबारा विचार किया, अब कलेक्टिव लीडरशिप की बात हो रही है? देखिए, आज पार्टी का चेहरा भूपेश बघेल ही है, हम तो आज भी कह रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है, इनके पास कौन सा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास? और रहा सवाल, ये लगातार मैं सुन रहा हूँ अभी डिबेट में, ईडी के छापे पड़े, ईडी ने 518 करोड़ रुपए पकड़े या जो भी किया, और उन्होंने आरोप लगाया कि इसको दिया उसको दिया। सौरभ जी, मैंने आपको ही बोला अभी थोड़ी देर पहले, मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता बैठे, मैंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए परसों, ये बताएं किस चीज के दिए हैं? तो ऐसे बोलने से बात नहीं बनती है। तो इस प्रकार के आरोप लगाकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सरकार नहीं है, उन राज्यों में भाजपा इस प्रकार का माहौल लगातार बनाते आ रही है। और देखिए, लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री है और ओबीसी वर्ग से आते हैं। मैं तो अभी मोदी जी का भाषण सुना आज छत्तीसगढ़ में, वो कह रहे थे मैं ओबीसी हूँ। ये कभी कभी किसी और कास्ट के हो जाते हैं, कभी एनसीसी कैंडिडेट हो जाते हैं, कभी कहते हैं मैंने स्टेशन पर चाय बेची, कभी कभी कहते हैं मैंने 25 साल भिक्षा मांग के गाई, तो इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और यहाँ पर आकर छत्तीसगढ़ में जो भाषण देकर गए हैं, और कल जो एक जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उस विषय में भी बोल दूं कि एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो जब आगे की बेंच में बैठ के एग्जाम में लिखते रहता है तो पीछे से कोई नकल करता है उसकी, तो नकल करने के लिए भी भाई साहब अकल चाहिए। हमारा जो हमारी जो घोषणा है, जो हमारी गारंटियां लगातार हम पिछले 15 दिनों में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भूपेश जी ने जो लगातार गारंटियों की घोषणा की, उसकी कॉपी करने का काफी हद तक प्रयास किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को ये कहे कि वहां पर चप्पल देंगे बोला, तो मैं बता दूं आपको, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चप्पल बांटते थे उनको, आदिवासियों को, एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की देते थे। अच्छा, ऐसा वहां पर मजाक किया और इन चले। अच्छा ठीक है, अब आपकी घोषणाएं, आपके वादे और इनके वादे अब सब लोगों के बीच में, क्या बता रहा है लोगों का मिजाज, क्या बन रहा है? मैं आपके सामने अब सर्वे खोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ की 64 सीटों वाला ये केंद्रीय जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, इसका सर्वे आपके सामने रख रहा हूं, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमंद, सारे इलाके इसके अंदर आते हैं। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर 43 सीटें जीती थी, बीजेपी को मिली थी केवल 14 सीटें। इस बार क्या होने जा रहा है, क्या देख रहा है सर्वे लोगों की निगाह से, वो मैं आपके सामने अब रख रहा हूं, 64 सीटों का सेंट्रल छत्तीसगढ़ का सर्वे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में आज की परिस्थिति में 27 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई देती है, और ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है 2018 की तुलना में, 14 सीटें ज्यादा 2018 से है इस क्षेत्र में। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में भी नंबर वन पार्टी बनकर 34 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। और आप देखिए, इसी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वे आपके सामने आ चुका है, 90 सीटों का सर्वे, 52 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है, 35 भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, अन्य जीत सकते हैं। तो एक बार फिर मतलब साफ है, 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, उससे ज्यादा 6 सीटें ज्यादा और कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है। मतलब एक बार फिर दूसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, और 15 साल राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 10 बरस का ये वनवास कम से कम झेलना पड़े, ऐसा सर्वे को देख करके अभी लगता है। अब ये महादेव ऐप वाला मामला, भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपया मिला, इस किस्म के आरोप और आक्षेप, इनका कितना असर पड़ेगा, ये बीजेपी इसको कितना अपने कैंपेन में आगे बढ़ा पाती है, वो देखने लायक होगा, क्योंकि अभी चुनाव में पहले चरण में भले ही 3 रोज का वक्त है, लेकिन अभी आगे 15 दिनों के बाद ज्यादा सीटों पर वोट पड़ने हैं। वोट शेयर पर एक नजर डाल लेते हैं, तो इसमें आपको एक अंतर साफ स्पष्ट दिखाई देगा जो सीटों में भी दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस पार्टी को 45% वोट मिलता हुआ दिखता है, बीजेपी को 41% वोट, 4% वोट का गैप जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और किसी भी चुनाव में ये अच्छा खासा गैप होता है और वो आपको सीटों में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ये भी देख लीजिए कि पहले और दूसरे ओपिनियन पोल के अंदर कितना अंतर आया है दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस के बीच में। हमने 15 दिनों पहले आपको पहला ओपिनियन पोल दिखाया था, आज ये दूसरा ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 21 अक्टूबर से 4 नवंबर आते आते कितना अंतर पड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ग्राफ में, ये आप देखेंगे अभी आपकी स्क्रीन पर वो अंतर आने जा रहा है। और बीजेपी के लिए चिंताजनक बात होगी कि इन 15 दिनों के अंदर बीजेपी नीचे जाती हुई दिखाई दी है, भारतीय जनता पार्टी जो उसको 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है हमें इन 15 दिनों के अंदर अंदर, और 2 सीटों का इजाफा कांग्रेस की टैली में हो रहा है, 1 सीट का इजाफा अन्य के खाते में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए मनीष जी थोड़ी सर्वे तो बता रहा है चिंताजनक परिस्थिति है, फिर कहूंगा इसमें महादेव ऐप वाला मामला नहीं है सर्वे के अंदर, लेकिन अदरवाइज देखें तो आपका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है ये सर्वे में लोगों की राय कैद हुई। देखिए सौरभ जी, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं और सर्वे भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए आपके आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन केवल महादेव ऐप ही हमारे सर्वे आपके सर्वे में शामिल नहीं है ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ हमारा घोषणा पत्र भी शामिल नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, और जिस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया है वो पार्टी आरोप लगा रही कि हमने नकल कर लिया, इसी से आप हमारे घोषणा पत्र की ताकत समझ सकते हैं कि हमारे घोषणा पत्र की जो ताकत है उससे कांग्रेस घबराई हुई है। कल इनके मुख्यमंत्री भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाजपा ने नकल कर लिया, भैया जब आपका घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ तो किसकी नकल हमने कर लिया। देखिए मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जो कल की घटना है ईडी की, ये सीरीज ऑफ करप्शन है, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पहले कोयला घोटाले में भी पकड़े गए और आज तक जमानत नहीं हुई है, कल जो आरोपी पकड़ा गया है और जो प्रवक्ता कांग्रेस के लगातार यह कह रहे हैं चैनल पर बैठ के कि सौरभ जी मैंने आपको 5 करोड़ दिया, भाजपा के प्रवक्ता को 5 करोड़ दिया, ऐसे नहीं प्रूफ होता। असीम दास के पास और उसके निशानदेही से 5,39,00,000 नगद बरामद हुए हैं, और वो व्यक्ति कह रहा है भूपेश बघेल शामिल हैं इस चोरी में, और इस चोरी में ही नहीं छत्तीसगढ़ के नौजवानों की नौकरियां भी लूटी है, आदिवासियों के सपनों को तोड़ा है उन्होंने, और साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला होता है, और लालू के चारा घोटाला से प्रेरणा लेके गोबर घोटाला करती है कांग्रेस यहाँ जी। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ घोटाले नहीं हुए हो, और कल की जो ईडी की कार्रवाई है वो मोहर है कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है और मुख्यमंत्री शामिल है, और चलिए ठीक है पूरे विश्वास मेरे जैसे कहा ना आप, तो ये आप ही ऊपर निर्भर करता है, खासतौर पर जो लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, कि इस मुद्दे को आप लोग जनता के बीच में कितना बड़ा मुद्दा बना पाते हैं। ठीक है, ईडी ने आरोप लगाया, आपके हाथ तो एक हथियार लग गया, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं तो आपके ऊपर, और ये कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि उसको डैमेज कैसे नहीं होता इस मामले का। बहरहाल हर सर्वे में एक सवाल जरूर होता है चेहरों को लेकर के, कि आप क्या समझते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये आपकी नजर में कौन बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा साबित होगा, तो इसका जवाब भी आप देख लीजिए। 5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह लिए हैं, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, आज की परिस्थिति में 45% लोग मानते हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने चाहिए, 34% लोग डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेते हैं, और केवल 6% लोग टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी के, अरुण साव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका केवल 5% लोग नाम दे रहे हैं। तो लड़ाई तो केवल डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच में है, लेकिन उसमें भी आप देखिए 10% से ज्यादा का गैप आपको भूपेश बघेल के पक्ष में दिखाई देता है। अब एक और रोचक सवाल पूछा गया इस सर्वे में कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, इसका फायदा किसको मिला आप क्या समझते हैं? 54% लोग ये मान रहे हैं कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है, मतलब अगर रमन सिंह को या किसी और को चेहरा बनाया होता, ये बताया होता कि हम जीते तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता, ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है। तो क्या ये कहीं कोई चूक है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में? एक क्विक कॉमेंट में संजीव जी का और हर्षवर्धन जी का बचाऊंगा। संजीव जी पहले। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो कोई चेहरा प्रोजेक्ट करते तो उसका लाभ होता बीजेपी को, लेकिन बीजेपी की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रॉब्लम ये थी
कि रमन सिंह एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है स्थानीय तौर पे। उनको उनके 15 साल के शासन के बाद जब वो हटे थे तो कई तरह के आरोप उनपे और मुख्यमंत्री कार्यालय के आला अधिकारियों पे लगे थे और उनकी छवि काफी धूमिल हो गई थी, अगर मैं अंडरस्टेटमेंट की तरह कहूं तो। फिर और दूसरा कोई वैकल्पिक चेहरा बीजेपी डेवलप नहीं कर पाई। जैसे आपका सर्वे बता रहा है कि सिर्फ 5% लोगों का मत जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी उनके फेवर में थी, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई बीजेपी के लिए बड़ी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि पुराने मुख्यमंत्री का चेहरा जनता में उस तरह का अट्रैक्शन पैदा नहीं कर रहा था। और मोदी जी अपने चेहरे पे विधानसभा में एक सीमा के आगे पार्टी को नहीं ले जा सकते, उसके बावजूद उन्होंने रमन सिंह को लास्ट मिनट में उसको टिकट दिया और थोड़ा प्रोजेक्शन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फाइट में आए, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। चलिए ठीक सर, राजस्थान पर बढ़ना होगा मुझे, उससे पहले जरा इसका एक जवाब हर्षवर्धन जी का भी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के नतीजे ऐसा बताते हैं अगर कोई फेस दिया होता मुख्यमंत्री का तो फायदा होता? नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं ना कि लोकल लीडरशिप, स्थानीय चेहरा, वो देना ही चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी लड़ती नहीं दिखी। इतने मुद्दे रहे, इतने बार लगा कि आंदोलन कर सकते हैं, वहां कहीं दिखी नहीं। रमन सिंह भी चुपचाप बैठ गए, 15 साल के बाद उनको जनता ने बुरी तरह से हराया। लेकिन आप नेता होते तो खुद खड़े होते, अंतिम समय में अमित शाह वहां जाकर उसको तेज करने की कोशिश करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कोई पार्टी इतने समय तक क्यों शांत रही, वो परिणाम दिख रहा ओपिनियन पोल में। चलिए ठीक, मनीष जी, नितिन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ का सर्वे बता रहा है कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बन सकती है।